बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को, समायरा महाजन। जी, मेरे पिताजी ने एक किस्सा बताया था नागिन फिल्म के सिलसिले में। थिएटर में जब फिल्म रिलीज हुई थी मैम, जब भी यू नो सिनेमा के पर्दे पर नागिन आती थी तो लोग उसकी पूजा करना शुरू कर देते थे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर इसका अंदाज इतना क्यूट था ना, तुझको आँखों में भर के गई स्यापा पाया तेरे को देखी, इतना क्यूट, इतना छोटा बच्चा जो गा रहा था, ओहो दिल को छू गई इसकी वो अदा। एक एक लाइन पे मैं उसको वो गाना जरूर सुनना चाहूंगी और उसको वो स्टेप बताना चाहूंगी। अरे क्या बात है रीना जी, इसके लिए स्पेशल, ऑफ कोर्स रीना जी के लिए तालियां। वो क्या बात है बच्चों, बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैम जब समायरा आई थी ऑडिशन में वो इतनी डरी हुई और सहमी हुई थी, और आज आपके साथ वो डांस कर रही है, आप जैसे कर रही है वो वैसे करने की कोशिश कर रही है, सो मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। क्या बात है समायरा, अब वो जो कर रही है अपने सिंगिंग से देश को बेकाबू, आर्य नंदा बाबू।
आर्यनंदा, दिस इज इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक रियलिटी शोज, बच्चों में इससे बेहतर परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखा है. बच्चों के शो में ये लेवल का लेजेंडरी परफॉर्मेंस. तुमने रोंगटे खड़े कर दिए थे जैसे तुमने पहले एडलिब गाया. मेरी सांसों को जो महका रही है रीना जी, क्या गाने हैं, क्या लेगेसी है आपके गानों की. ओ माय गॉड, और जो सुर लगे तुम्हारे, ओ माय गॉड. हमारे बच्चे बेस्ट बच्चे एवर. वो जिस अंदाज से इस बच्ची ने गाया है, मैं अपनी पुरानी दुनिया में पहुंच गई जब मैं शूटिंग कर रही थी और बिल्कुल खो सी गई मैं. इतनी प्यारी आवाज, नजर ना लगे बस तुमको. रीना जी, आपने ये पहला गाना मेरी सांसों को जो महका रही है वो ऋषि जी के साथ था. जी, जी. आपने उनके साथ इतनी फिल्में की है, इतना काम किया है, तो आपके कोई एक्सपीरियंसेस प्लीज. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड इतना जोश था उनका. मतलब सेट पे जब वो होते थे तो मतलब एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, डांस परफेक्ट, एक्टिंग परफेक्ट, और अगर कोई चीज़ उनसे सही ना हो बहुत नाराज़ हो जाते थे. तो एक डांस था मेरा और उनका, क्या नाम है तेरा, टीना मीना टीना कुछ ऐसा करके. तो एक स्टेप बहुत डिफिकल्ट था, उसमें कमर का पोर्शन था, तो वो उनसे हुआ नहीं. वो इतने नाराज़ हुए कि कोने में जाके बैठ गए. फिर डांस मास्टर परेशान, प्रोड्यूसर परेशान. तो फिर मैं खामोशी से गई उनके पास. मैंने कहा, सुन, ये जो कमर लटकाने का काम सिर्फ लड़कियों का होता है, मर्दों का नहीं. उसके बाद वो रिलैक्स हो गया. कमाल है. दैट वॉज द थिंग. और उनकी यादें इतनी है, मैं उनकी याद में रोना नहीं चाहती. बस वो जहाँ भी रहे खुश रहे, और हम सब उनको इतना चाहते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है. आर्यनंदा, तुमने दुनिया हिला दी. थैंक यू आर्यनंदा, थैंक यू दानिश. बात कहना चाहता हूं हिमेश सर, हम सारे कैप्टन आपके लिए एक गाना गाना चाहते हैं. अरे क्या बात है, वाओ. शीशा हो या दिल हो, आंखें टूट जाता है
नो प्रॉब्लम ऋतुराज, फिनाले भी आ रहा है, फिनाले में तो तुम्हें मुझे माफ करना ही पड़ेगा. आई लव यू ऋतुराज, आई लव यू. अब आ रहे हैं वो जिन पर फिदा है कैटरीना कैफ से लेकर कैमरन डियाज, मोहम्मद फैज. हर जाना ओ मैं जाना, हर मैं तेरे ख्वाब का राजा. ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं. वाह. इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते, भूल जाते. ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं. ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं. इन्हें पाने की, इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं. तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के बेजों को कम कर दो. तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के बेजों को कम कर दो. मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं. ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं.
ऐसा मौसम पहले कभी भी आया नहीं, ऐसा बादल अंबर पे सजनी छाया नहीं, ओ ऐसा मौसम पहले कभी भी आया नहीं, ऐसा बादल अंबर पे सजनी छाया आवाज़ में दर्द और आवाज़ में सोज और उसके ऊपर पर्सनालिटी, इससे तो देखने के बाद देखो मैं ज़्यादा जब भी किसी के लिए भी मैंने कुछ प्रेडिक्ट किया है तो ऊपर वाले ने मेरी सुना है, ये तो विनोद खन्ना का बचपना है भाई, कॉलेज में भी लड़कियां इस पे मरेंगी और वैसे भी मरती होंगी इस पे, तो लड़कियां बहुत मरती होंगी मतलब, और जिस तरह से ये हंस के गाता है ना सचमुच दिल जीत लेता है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में यू सिंगर एंड एक्टर बहुत ऑलराउंडर, आप हुए फिर किशोर कुमार हुए, तो लाइक दिस इज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन कि आप गाएंगे भी एक्टिंग भी करेंगे। कंप्लीट, ही इज अ परफॉर्मर and he's a focused artist. इस वक्त सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के तुम बहुत बड़े सचमुच के सुपरस्टार हो। क्या बात है, आज पवन और आदित्य ने स्पेशली तुम्हारे लिए डिसाइड किया है कि वो सुपरस्टार नमस्ते में रिदम सेक्शन पवनू और आदित्य भी साथ में म्यूजिशियंस के संभालेंगे। ओ दैट्स गोइंग टू बी हिस्टोरिक। आर यू रेडी? यस। 1 2 3 4 और आप भी आइए। वाह जी, इधर। अब ये जो गाना गाया है इसने मेरे दिल को छू लिया है और मैं अपने फ्लैशबैक में चली गई, और मैं चाहूंगी फैज भी गाए और आप भी गाए, तो थोड़ा सा लिप सिंक कर लूंगी। अरे क्या बात है रीना जी, क्या बात है, वाओ। हो जाए। अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
बात है, क्या बात है। रीना जी के लिए तालियां। थैंक यू रीना जी, सो स्वीट ऑफ यू। लेट्स गो हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। देश का राजा बेटा मणि। जय जय का,
मनी, जैसे आपने गाया, आप तो हमको सीधा शेरों वाली के पहाड़ों पे ले गए भाई। और मुझे तो लग रहा है कि आप कुछ फाइनल में पहुंच चुके हो माता का भेंट गाने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है। मनी, अभी तुमने जो गाया जो माता की भेंट है, वो ऐसा लगा कि तुम दिल से गा रहे हो, वो दिल से तुम्हारी श्रद्धा है, और वो श्रद्धा एक एक अल्फाज में तुम्हारी निकल कर आती थी। सो आई रियली वांट टू से मनी, सुपर्ब, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिक, अनबीटेबल, इनक्रेडिबल, अल्टीमेट, फैंटैबुलस। जय माता दी, लेट्स रॉक। जय माता दी, क्या बात है। मनी, वैसे तो हमेशा ही खुश नजर आते हैं, लेकिन आज ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने इनके लिए एक सरप्राइज बंबई नगरी दिखाने के लिए किया था। अभी मुझे पता नहीं इन लोगों को पसंद आया या नहीं आया। इट वॉज अ सरप्राइज गिफ्ट। दोनों के लिए तालियां। रीना जी, इतनी आइकॉनिक फिल्में की हैं आपने, मेरे ख्याल से सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ आपने स्क्रीन स्पेस शेयर किया है। और रीना जी, शत्रु जी के साथ फिल्म आई थी विश्वनाथ। Fantabulous. क्या डायलॉग्स थे एचआर उस फिल्म में, और एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग था शत्रु सर का। चलो इको आँख कहते हैं, पुजे को रॉक कहते हैं, जिस रॉक से गौरुत बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। इतना बुरा मिमिक्री मैंने आज तक उनका नहीं देखा। थैंक यू रीना जी। मैंने जानबूझ के खराब किया, क्योंकि मैं चाहता था रीना जी कि आप मुझे डायलॉग सिखाएं, क्योंकि हमने कभी रीना जी को ये डायलॉग कहते हुए नहीं सुना। नहीं, मैं ये कह भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी उतनी भारी आवाज नहीं है और ऐसी फंसी हुई आवाज भी नहीं है। अब आ रहे हैं जिनके अंदर है प्रभु का वास, प्रभु प्रांजल विश्वास।
मुझे तो ये छोटा सा नटखट सा कृष्ण कन्हैया लग रहा है. कभी ये मुझे एक सूफी शक्ति लगती है इनमें, और इतनी प्यारी और मीठी आवाज़ का कॉम्बिनेशन लेकर ये बच्चा पैदा हुआ है. बहुत मीठी आवाज़, और तुमने जो बंगाली भी गाया, इतना मीठा प्यार, जैसे कि रसगुल्ला मुँह से निकल रहा है, इतना मीठा मीठा लफ्ज़ से तुमने गाया, बहुत अच्छा लगा. प्रज्वल, तुमने आज वो तारों को छेड़ दिया है जो तार बहुत एक्सपीरियंस सिंगर्स अपनी सिंगिंग के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं और छेड़ देते हैं उन तारों को, लेकिन तुमने इतनी एफर्टलेस तरीके से ये गाना गाया, जैसे ये लगा कि तुमने वो सारे जज्बात तुमने जी कर समझ कर इस गाने को गाया, बिकॉज बहुत गहराई चाहिए इस गाने को गाने के लिए. फ़ैन हो गया हूँ मैं तुम्हारा, और इस बात पर मुझे लगता है कि मेरी तरफ से और रीना जी दुनिया हिला देते हैं, दुनिया हिला देनी चाहिए प्रज्वल के लिए. पप्पीदा और आडी बर्मन जी, पंचमदा, हमारे दोनों आइकॉनिक कंपोजर्स हमारे साथ नहीं हैं, तो उनको याद करते हुए एक एक लाइन, दोनों के एक एक आइकॉनिक गाने जो उन्होंने रीना जी को दिए हैं, उनकी एक झलक तो हो जानी चाहिए. क्यों? रीना जी, फॉन्ड मेमोरीज ऑफ पप्पीदा एंड जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में. सायली, लेट्स डू इट. जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में. आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, ए आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे. हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे. वाह वाह वाह, रीना जी के लिए तालियां, रीना जी के गानों के लिए तालियां. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.